हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन माइकल जेटन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इससे पहले बाकी राइटर्स मैं करा चुकी हूँ उनको आप देख लेना ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ में हम चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है अब आते हैं सीधे द राइटर पे क्या बोल रही हूँ सीधे द राइटर पे लेट्स कम डिरेक्टली टू द राइटर माइकल जेटन माइकल जेचन की डेट्स देख लो 1563 से 1631 और अब आ जाओ सबसे पहले पॉइंट पे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हैरेशियन ओड ये हरेशियन ओड्स लिखते थे अभी जल्दी से समझ लेते हैं कि होता क्या है हैशन ओड्स को पहले आप ब्रेक डाउन करो ओड क्या होता है ओड होता है एक पोएम ठीक है अगर पोएम ही होती थी तो हमने इसको पोएम ही क्यों नहीं बोल दिया ओड क्यों बोला स्पेसिफिकली ओड इसीलिए बोला क्योंकि दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पोएम पोएम

सिर्फ ओड का एग्जाम्पल नहीं है ये ओड का भी एग्जाम्पल है जब आप आप रोमांटिक पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है तो तब आप इन्हें डिटेल में देखना चाहते हो तो अभी एक बार पोएम पढ़ सकते हो क्योंकि ये पोएम इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको लिटरली फ्रेजेस पूछेंगे इसमें से एक मतलब ऐसा भी सवाल आया था एक बार कि लिटरली दो वर्ड्स दिए हुए थे दो दो तीन तीन वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमर्स में और बोला था कि इनको मैच करो कि ये कौन सी पोइम से है तो कीट्स इज दैट इम्पॉर्टेंट इट देर स्पेसिफिक पोइम्स दैट आर दैट इम्पॉर्टेंट नॉट एवरी पोएम आपको पढ़नी है दे जस्ट वेरी स्पेसिफिक पोइम्स एट हैव टू रीड ठीक है तो कीट्स का ओर टू एन आइटिंगल इंपॉर्टेंट है आज एक बार पढ़ लो जब तक रोमांटिक एज पर पहुँचोगे तब तक आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी ठीक है चलो और उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हेशन ओट होता क्या है अभी हरेशन ओड को समझने के लिए आपको मैं कंट्रास्ट कराती हूँ इसको पिंडारिक ओड से हरेशन ओड हो लिखते थे पिंडारिक ओड पिंडर लिखते थे मतलब नाम से ही पता चल रहा है राइट ठीक है पर फर्क क्या है जो एक मेजर फर्क आपको याद रखना है हरेशन ओड्स बहुत पर्सनल होते थे और पिन ओड फॉर्मल होते थे अब क्योंकि ये फॉर्मल है तो इनका जो कंटेंट भी होता था ना वो ऐसा होता था कोई इवेंट हुआ या किसी वॉर की प्रेज हो गई मान लो किंग की कोरोनेशन हुई या कुछ भी ऐसा जो फॉर्मल है काफी वो पिन कोड्स में इंक्लूडेड होता था दूसरा पिन कोड्स में आप देखोगे स्ट्रोफ स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड ठीक है ये तीन चीजें होती हैं तो स्ट्रोफ में क्या होता है आप किसी चीज के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो एंटी स्ट्रोफी में उसी चीज के बारे में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो ठीक है दो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ईपोड क्या हो गया आपने दोनों का एक कंक्लूजन निकाल दिया दैट इज योर ईपोड तो जो आपका पिंडारी पोड है उसका ये इपोर्ड स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ अब स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी तो आ, ये पिंडारी कोड के पार्ट्स हैं होरेशन कोड ऑन द अदर हैंड इनमें इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी जो पैराग्राफ्स सॉरी स्टैंडर्स होते हैं ना पोइम्स में स्टैंडर्स होते हैं जो तो आपके स्टैंडर्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं इन देंस एक जैसे ये स्टैंडा नंबर वन है ये स्टैंडा नंबर टू है सब में राइम्स कीम एक टाइप की होगी मीटर एक जैसा होगा मतलब और लेंथ जो होगी आपकी लाइंस की वो एक जैसी होगी राइट उसे आप होरेशन ओट कहते हो तो बेसिकली प्रेज कर रहे हो और किसका स्टाइल फॉलो कर रहे हो और इसका अब आओ कि इनकी फर्स्ट बुक आई 1590 में द हार्मोनी ऑफ द चर्च ठीक है फिर 1593 में आई द लेजेंड ऑफ पियर्स गेवस्टन इसमें हिस्टोरिकल पोइम्स थी हिस्टोरिकल पोएम्स वाला फैक्ट याद रखना माइकल रेटन जो है ये हिस्टोरिकल पोएम्स लिखते थे और मतलब एक इनका डिफाइनिंग फीचर है मतलब एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनके बारे में कि ये हिस्टोरिकल पोइम्स लिखा करते थे उसके बाद आ जाओ आप आइडियाज़ मिरर या फिर आइडियाज़ अब ऐसा है कि आइडियाज़ मिररर पहले था फिर बाद में जब फिर से एडिशन पब्लिश हुई तब उसमें सिर्फ आइडियाज़ टाइटल था अब इतनी डिटेल में जाओगे ना तो फिर याद नहीं रहेगा मतलब ये ये इतना डिटेल याद नहीं रहता पेपर से पहले आपको इतना याद रह जाए कि आइडियाज़ मेरे डेटन लिखा था दैट इज़ गुड ठीक है और फिर बाकी अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी क्योंकि आइडियाज़ मिरर पेपर में एक बार पूछा तो नहीं गया था ऑप्शनस में आया था पर ऑप्शन में आ गया तो मतलब फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या है इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका अच्छा ये फाइव फिफ्टीन नाइन्टी फोर सिक्सटीन नाइन्टी ने थोड़ा डेट्स का कुछ है ये लिखना शुरू किया था यहाँ पब्लिश हुई थी थोड़ा सा मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दे दिया है ओके okay. आइडियाज में सबसे पहली चीज आपने कि इसमें इट स्टार्ट्स विद टू द रीडर्स ऑफ़ एक तरह से जो लोग ये सोनेट्स पढ़ रहे हैं जैसे हम जैसे लोग तो उनके लिए उन्होंने कुछ कुछ लिखा है ठीक है क्या क्या लिखा है इन टू दीज लव बट फॉर पैशन लुक्स एट दिस फर्स्ट साइट हियर लेट हिम ले देम बाय And seek elsewhere in turning other books which better may his late labor satisfy. Take care. My muse is rightly of the English strain that cannot long one fashion entertain. So, this address addressed to readers of the sonnets who are whom? People like you and me. This care the first, first part to his work. Ka, it starts with Like an adventurous seafarer, I am. मेरे को तो उनकी याद आ गई इसे जोसेफ कॉनरैड की आप पढ़ेंगे तो वो भी मतलब उनका सबसे बड़ा जो फीचर आप याद रखते हैं वो यही है कि वो वोजेस पे बहुत जाते थे तो ये बोल रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ एक सी फेयर की तरह हूँ जिन्होंने बहुत डेंजरस और लंबे वोएजेस करे हैं और अब मैं अपनी डिस्कवरीज़ के बारे में बताने आपको आया हूँ ठीक है और जो लास्ट uh, है मतलब नॉट दिस इज़ नॉट द लास्ट लाइन ऑफ़ द फर्स्ट पार्ट दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम ठीक है दिस इज दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम बेसिकली ये तो जो ये जो मैंने आपको लिखा है ये तो उन्होंने रीडर्स uh, के लिए एड्रेस करा हुआ है ये फर्स्ट लाइन है पोएम की और ये लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी तक तो मैंने नेट में नहीं देखी पर इसके आने की संभावना मेरे हिसाब से है नोर केयर फॉर क्रिटिक नोर रिगार्ड द टाइम्स ठीक है नोर केयर फॉर द क्रिटिक एंड नोर रिगार्ड द टाइम्स ठीक है बाद में इसमें पोएम में ये जैसे लास्ट लाइन है ना खत्म हो गई पोएम लास्ट में इसमें कैंजनेट है आफ्टर द पोएम एंड्स एक कैंजनेट है कैंजनेट क्या होता है ये एक सॉन्ग होता है ठीक है एंड दीज आर द लाइन्स आप इनको देख सकते हो इतना पर्सपेक्टिव पस्पेक, पर्सपेक्टिव से नहीं इम्पॉर्टेंट है लेकिन एक बार मुझे लगता है आपको इसको रीडिंग दे लेनी चाहिए ये आपका स्टार्ट होता है और ये आपकी एंड होती है हो सकता है तो अगर पॉसिबल हो तो आपको ओरिजिनल पढ़ना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट लाइन एक बार देख लो बस ठीक है तो ये हो गया आपका आइडियाज मिरर या फिर आइडियाज फिर आ जाओ आप पॉली ऑलबियन पे सिक्सटीन थर्टीन में इनकी एटीन बुक्स पब्लिश हुई सिक्सटीन ट्वेंटी टू में ट्वेल्व बुक्स और पब्लिश हुई अलॉन्ग मतलब सेकेंड पार्ट था जब ट्वेल्व बुक्स पब्लिश हुई तो ये बहुत ज्यादा बल्कि वक्त था वो मतलब आपको देखने से पता चल रहा है टोटल कितनी हो गई थर्टी बुक्स हो गई थर्टी बुक्स की आपने एक किताब लिखी है है ना कितनी बल्कि होगी वो तो वो आ, किस बारे में है वो है ब्रिटेन की जोग्राफी के बारे में ठीक है एंड एंड फॉर दिस वेरी रीजन माइकल रेटन इज सेड टू बी द फर्स्ट टू पोएटाइज ज्योग्राफी पोएटाइज ज्योग्राफी उन्होंने ज्योग्राफी को एक पोएम की फॉर्मेट में लिखा है ठीक है? So, been, याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट वर्क है और याद रखेंगे हम आइडियाज मिरर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मतलब अगर इन सब में से कोई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तो वो है आइडियाज मेरल या फिर आइडियाज ठीक है इस वीडियो में इतना ही माइकल ड्रेटन के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया है ये पता है क्या ये ना ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन इन पर कम आते हैं कम क्या आते हैं काफ़ी कम आते हैं तो आपको जब एग्जामिनर बहुत इंटरेस्टेड होंगे माइकल ड्रेटन के बारे में पूछने में हम तब पढ़ेंगे ड्रेटन को डिटेल में अभी के लिए ये मोर देन इनफ ऑफ इन्फॉर्मेशन है और अगर आपको लग रहा है कि कम इन्फॉर्मेशन है ये वीडियो छोटा है तो आपको हो सकता है लग रहा होगा कम इन्फॉर्मेशन है जगह छोड़ दो सारे राइटर्स कंप्लीट कर लो उसके बाद आ जाना फिर से बना लो नोट्स खुले खुले नोट्स बनाया करो क्योंकि आज भी अगर आप बनाओगे ऐसा तो है नहीं कि नेट इज़ द फर्स्ट इन द लास्ट एग्जाम दैट यू टू पीयर फॉर बहुत एग्जाम्स देने अभी जिंदगी में नेट दोगे फिर स्टेट का कमीशन दोगे तभी अल्टीमेटली जॉब तो तब मिलेगी ना गवर्नमेंट में अगर आप चाहते हो तो तो आपको हो सकता है कल को आप पीएचडी का कोई एंट्रेंस दे दें और हर जगह का ना डिमांड डिफरेंट होता है एक होता है ना मेजर वर्क्स वो तो हर जगह सेम रहते हैं पर एक डिमांड रहती है हर एग्ज़ाम की उस डिमांड को आप अपने नोट्स को ढाल नहीं पाओगे उस डिमांड के हिसाब से अगर आप जगह नहीं छोड़ोगे फिर फ्यूचर में आपको लगेगा कि मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी है है ना अच्छे से खुले खुले नोट्स बनाओ ट्रस्ट में वो स्पेसेस है ना वो भर जाती हैं टाइम के साथ आपको मिल जाएगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको अपने स्टेट के लिए इम्पॉटेंट होगा जो नेट के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो हर स्टेट का डिफर करता है पर्टिकुलर प्रेफरेंसेज होते हैं है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो फेवरेट टॉपिक्स जिन्हें कहते हैं उस हिसाब से है ना? इस वीडियो के लिए इतना ही अब अगले वीडियोस आएंगे मार्लो शेक्सपियर ये दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन पे सवाल भी बहुत आते हैं और ये पढ़ने भी काफ़ी डिटेल में होते हैं है ना तो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर रिवाइज कर लेना और फिर देखते हैं बाकी राइटर्स को ठीक है बाय